कांग्रेसी पार्षद मिले जिला रसद अधिकारी से, क्षेत्र में जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने की रखी मांग। आपको बता दें, उदयपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय खाद्य सुरक्षा में कुछ लोगों को तो राशन मिल रहा है, लेकिन जिनके पास न राशन कार्ड है न ही अन्य कागजात, उन जरूरतमंद तक भी राशन सामग्री उपलब्ध हो, इस हेतु गुरुवार को कांग्रेसी पार्षद का दल जिला रसद अधिकारी से मिला और जरूरतमंद तक राशन सामग्री पहुँचाने की बात कही। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में पार्षद हम सभी दल यहाँ पर आए हैं, डीएसओ मैडम से मिले हैं। हमारी जो बात थी उन्हें रखी कि हमारे वार्डों में जो अंत्योदय खाद्य सुरक्षा और श्रमिक ये जो बने हुए हैं कार्ड, इनके अलावा किसी को भी अन्य योजना के अनुरूप गेहूँ नहीं मिल रहा है। अभी उन्होंने हाल ही हमें बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कल जो वक्तव्य जारी किया उसमें 5 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हो जाएंगे। जनसंख्या 7 करोड़ की है और 5 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे तो हमारी ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी, चाहे वो APL हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा में, चाहे वो, यानी कि कहने का मतलब गुलाबी, पीला और लाल जो राशन कार्ड है उसके अलावा वो व्यक्ति भी उससे जुड़ जाएगा। और जो व्यक्ति लॉकडाउन में आसपास के गाँव के क्षेत्र के उदयपुर या किसी भी शहर में रह गया, लॉकडाउन की अवस्था में वो जा नहीं पाया, तो उसे पूर्व का भी गेहूँ जो उसके नियमानुसार आना चाहिए वो भी मिलेगा और अभी जो मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। ऐसी हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था कर दी है। हम मुख्यमंत्री का आभार करते हैं आपके माध्यम से। जो हमारे को अभी जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें कुछ ऐसे BLO ने लिस्ट आउट कर दी, बना दी, जिसमें वो परिवार भी आ गए जिनके लिए आवश्यकताएँ इसे अभी नहीं थी, वो अभावग्रस्त नहीं थे लेकिन उन्हें भी मिल गया। तो ऐसे BLO जिन्होंने ये गलती की है उन्हें DSO मैडम के मार्फत हमने कहलवाया है कि आप अपनी लिस्ट में सुधारीकरण करें, जो सेकंड स्टेप में आप जो दे रहे हैं तो उन अभावग्रस्त लोगों को मिले जो पार्षद और जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। यही हमारा बात का आज का सार था, जिसमें हमने गौरव प्रताप जी, नेहा जी, गिरीश जी, भारती जी, प्रशांत जी, श्रीमाली जी, रेखा जी, डांगी जी और हमारे BCC के महामंत्री माननीय दिनेश जी दवे साहब, हम सब लोग आकर आज मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री और माननीय DSO मैडम के साधुवाद और धन्यवाद देते हैं, उनका वंदन करते हैं। अगर हम सब लोग संयम रखेंगे इस आपदा की घड़ी में तो निश्चित रूप से हम कोरोना और हमारे क्षेत्र के अभावग्रस्त लोगों के भरण पोषण करने में सक्षम हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।